हमें जल्दी जल्दी कोई ये नतीजे जल्दी घोषित करके हमको कोई तमगा नहीं लेना रहता है। ये परीक्षाएं सबसे बड़ी बात है कि ये परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है, सबसे बड़ी बात है। कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले ली। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, और आज एक समय है कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना जैसे कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का 100 समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में, बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके, जो लोग लिए काफी विलंब हुआ। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और 100 समय नतीजे भी दिए, और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे जुड़े बधे रहे हैं, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 6,83,920 छात्र एवं 6,41,829 छात्राएं सम्मिलित थी। सभी संकायों में अलग अलग मासिक परसेंटेज इस प्रकार है। कला संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का 93.99 और छात्रों के उत्तीर्णता प्रतिशत 88.52 है, और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.35 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.89 है, और कुल प्रतिशत 79.81। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 75.04 है, और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं के डिग्रीशन को मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। अलग अलग संकायों में कला संकाय में पूरे राज्य में बीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।